Let's do question number 12th of exercise 4D, that is quadratic equation. Question number 12th is, if 3 is a root of the quadratic equation x square minus x plus k equals to 0, ye equals to 0 hai, agar is quadratic equation ka 3 ek root hai, find the value of p. Hume p ki value nikalni hai so that the roots of the equations. Kyo nikalni hai? Aisi value nikalni hai p ki, कि इस इक्वेशन में रखें तो वो इक्वल हो जाए, आर इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल रूट्स हो जाए. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. हम अपनी पहले वाली, हमें पता है कि 3 क्या है, रूट है. एज 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का रूट है, that is x square minus x plus k equals to 0. ये देखिए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस equation में k है और लेकिन इस equation में k और p दोनों हैं, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, इस equation से k निकालना होगा. और 3 जो है वो root है सिर्फ इस equation का, ऐसा उसने नहीं कहा है question में कि वो दोनों equations का root है. तो हम सिर्फ इस इक्वेशन में रख के ही k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रख ली 3. तो ये आ गया, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0. तो ये हमें पता है 3 3 इज अ 9, माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0. तो ये आया 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, क्योंकि 9 और 3 आप ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 उधर चला गया, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 6 आ गई. अब हमें k की वैल्यू पता चल गई है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू रख देंगे तो हमें p पता चल जाना चाहिए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी. सो फॉर k equals to minus 6, other equation will become, क्या बन जाएगी other equation, हमारी other equation लिख रही हूँ पहले, other equation थी x square plus k 2x plus k plus 2 plus p equals to 0, ये थी अदर इक्वेशन. तो हमारी अदर इक्वेशन k की वैल्यू लिख रही हूँ आप, माइनस 6 इन टू 2x प्लस, ये बिगर ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस 6 प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया x स्क्वायर. अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 इन टू 2x, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x माइनस 4 हो गया, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस p इक्वल्स टू 0. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 12x, 6 टू 12, माइनस माइनस प्लस. देखिए ये याद रखिएगा, इस माइनस की भी मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में होगी, तो माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 जो 24 प्लस p इक्वल्स टू 0, राइट. अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और अब हम क्या निकाल लेंगे इसमें से, d निकाल लेंगे. तो कैसे निकालेंगे, a क्या हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि था 1, b हो गया x का कोफिशिएंट, देखिए b क्या है माइनस 12 x का कोफिशिएंट, और c क्या हो गया हमारा, c हो गया 24 प्लस p, राइट. तो ये हमने लिख दिया 24 प्लस p. अब हमारा d निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, देखिए अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है, find the value of p so that the roots of the equations are equal. p की ऐसी value निकालनी है कि हमारे roots क्या हो जाएं,
इक्वल हो जाए. तो इक्वल रूट्स कब होते थे? व्हेन डी इज इक्वल्स टू जीरो. तो उसके लिए हमने डी निकालेंगे. तो डी क्या है? बी स्क्वायर, डी का फॉर्मूला, माइनस फोर ए सी. तो दैट मीन्स माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर, ए है वन और सी है ट्वेंटी फोर प्लस पी. तो ये आ गया. देखिए माइनस माइनस प्लस, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इज वन फोर्टी फोर, माइनस फोर वन जो फोर इंटू ट्वेंटी फोर प्लस पी. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आ गया वन फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू फोर, दैट इज फोर फोर जो सिक्सटीन, फोर टू जो एट एंड नाइन, माइनस फोर पी. तो कितना आ गया? ये एक प्लस का है एक माइनस का है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का. फोर्टीन में से सिक्स गया एट एंड थर्टीन में से नाइन गया इज फोर, माइनस फोर पी. अब हमें पता है रूट्स इक्वल हो जाए, तो दैट मीन्स डी किसके इक्वल हो जाए? जीरो के. तो हमने फोर्टी एट माइनस फोर पी को जीरो के इक्वल रख दिया. तो ये 4p इधर ले जाएं या 48 इधर ले जाएं, बात एक ही है. तो माइनस 4p इक्वल्स टू 48 उधर ले गई तो माइनस का हो गया, माइनस साइन कैंसिल हो गए. तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 48 अपॉन 4, दैट मीन्स 4 वन जो 4, 4 टू जो 8. तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12 आ गई. तो दैट मीन्स अगर p की वैल्यू 12 होगी तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. आंसर